हेलो गाइस, वेलकम इन ढाबा फॉर यू। आज हम बनाएंगे मीठी रोटी थदरी स्पेशल में, जिसमें बहुत सारी यमी डिशेस होती हैं। उसमें से कुछ हमने बना ली थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं मीठी रोटी बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए 3 कप व्हीट फ्लोर, गंदम का आटा, 2 कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल डाला है, वही कप जिसमें से हमने आटा लिया था। इस तरह मुट्ठी बांध कर देखेंगे। पिसी हुई चीनी 1 कप, वही कप जिसमें से हमने आटा डाला है। ज़्यादा चीनी डालने से रोटियां सॉफ्ट नहीं बनेंगी, तो इसलिए ध्यान रहे कि क्वांटिटी यही होनी चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जितना पानी आटा गूंदने के लिए चाहिए उतना पानी डालेंगे। तब तक गूंदेंगे जब तक कि एक सॉफ्ट डो तैयार ना हो जाए, क्योंकि हम उसे 30 मिनट तक रखेंगे तो वो फिर से थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम उसे सॉफ्ट ही गूंदेंगे। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। तीस मिनट बाद इसको फिर से थोड़ा गूंदेंगे। अब इसमें से इस तरह से पेड़े बनाएंगे। इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से करके फिर राउंड बनाएंगे, नहीं तो बेलते टाइम इसकी साइड्स क्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बेलना स्टार्ट करेंगे। रोटी ना ज्यादा मोटी होनी चाहिए ना बिल्कुल पतली। रोटी की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें इस तरह से होल करेंगे ताकि ये पूरी की तरह फूले ना। अब इसे गरम तवे पर पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पर, गोल्डन होने तक। आप देख सकते हैं इस पे बहुत अच्छा कलर आया है, पर ध्यान रहे मीडियम से लो फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब इसे किसी कंटेनर में घी डालकर, देसी घी, उसमें रोटी को डालेंगे और इसके चारों तरफ घी लगाएंगे। इसे घी में तकरीबन 1 से 2 मिनट रहने देंगे ताकि ये अच्छे से घी एब्जॉर्ब कर ले। घी डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, बहुत अच्छा टेस्ट और अच्छी सी शाइन आएगी। आप देख सकते हैं ये चमकना स्टार्ट हो गई है। अब इसे किसी और कंटेनर में रखेंगे। इस तरह से सारी रोटियां पकाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है रोटी पकाते टाइम और बेलते टाइम टूटने लगती है, उसका मेन रीजन यही होता है कि हमारा एक तो आटा ज्यादा
हार्ड होता है और उसमें ऑयल भी ज़्यादा होता है, तो अगर आप उसको थोड़ा ऑयल थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंदेंगे तो वो फिर टूटेंगी नहीं। इस तरह सारी रोटियों को घी लगाकर रखेंगे। हमारी सारी रोटियां बन गई हैं। ये थदड़ी की सारी डिशेस। आप रोटी को बटर के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ या पकौड़ों का रायता है, कर्ड राइस, मिर्ची फ्राई। मुझे सबसे ज़्यादा मिर्ची फ्राई के साथ अच्छी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करें, और रायते के साथ भी ये पकवान। मूंग दाल के पराठे, जिसे हम कोरमे की रोटी बोलते हैं।